हेलो एवरीवन, जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास एक ये शार्प विजन का ओएनयू है, या इसको ओएनटी कह दो या फाइबर का मॉडम कह दो। तो इसमें इंटरनेट की सेटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मेरे पास जो है ओएनयू, इसका जो मॉडल नंबर है वो भी आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है इसमें मॉडल नंबर, यूज़र नेम, डिफ़ॉल्ट आईपी, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये जो वाईफाई का पासवर्ड हो 1 से लेकर 8 तक रहता है। तो ये जैसे कि आपको पहले इस मॉडम को रीसेट करना होगा, और रीसेट करने के लिए जो इसके मॉडम के या इस ओएनयू के पीछे एक पोर्ट रहता है, और इसमें जो मेन पोर्ट हैं वो एक तो स्टार्टिंग में जो ब्लू कलर वाला है वो तो है पॉन, जिसमें फाइबर आपका लगता है। उसके साथ में जो है पीओटी का, मतलब जिसके अंदर टेलीफोन वायर लगती है, दो ये जी और एफई के 2 पोर्ट हैं, और उसके साइड में ये वाईफाई को ऑन ऑफ करने का, और फिर उससे आगे ये वाईफाई को पेयर करने का, और उससे आगे जो होल दिख रहा है वो रीसेट करने के लिए रहता है। तो सबसे पहले आपको इस ओएनयू को रीसेट करने के लिए जो होल के अंदर है कोई भी पेन से या जो पतली नीडल्स वगैरह होती हैं उससे आप इसको रीसेट कर सकते हो। जनरली तो ये पेन से रीसेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक पेन से इस होल के अंदर डाल के इसको 5 से 7 सेकंड तक इसको होल्ड दबा के रखना है, और ये जैसे कि आप इसको दबा के रखोगे तो जो सामने वाली जो लाइटें हैं वो एक बार जैसे कि ब्लिंक करेंगी। ब्लिंक करेंगे, अब ब्लिंक करने के बाद ही आपका मॉडम रीसेट हो चुका है। एक बार रीसेट होने के बाद आपने सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन करना है, और वाईफाई ऑन करने के बाद जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट जो वाईफाई के नाम दिखा रहा है FTTH 514F, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट इसका वाईफाई का पासवर्ड है, जैसे कि 123456 8, ये इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, ये डाल के आपको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करने के बाद ये जैसे आपको कनेक्ट हो जाएगा तो ऊपर बिल्कुल टॉप साइड में आपको दिखाने लग जाएगा कि कनेक्टेड हो चुका है, जैसे कि इसमें ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब ये कनेक्ट होने के बाद आपको सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करना है, और उसके अंदर जो आईपी एड्रेस डालना है 192.168.1.1, ये ओएनयू का आईपी एड्रेस होता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा है डालने के लिए बोलेगा। तो जो इसका शार्प विजन की इस मॉडल का जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है वो स्मॉल लेटर्स में एडमिन है, ADMIN, और इसका जो पासवर्ड है वो स्मॉल लेटर्स में है STD, फिर कैपिटल लेटर में ONU101, ये इसका पासवर्ड है। और कैप्चा तो आप नीचे डिस्प्ले हो ही रहा है, ये कैप्चा आप इसमें डाल दोगे। उसके बाद जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये जो पासवर्ड हो उसको चेंज करने के लिए आपको बोल लेगा। तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपने डालना है पहले, तो जो स्मॉल लेटर में STD, फिर कैपिटल में ONU101, ये डालना है। और नीचे फिर न्यू पासवर्ड में आप कोई भी अपना खुद का नया पासवर्ड सेट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कैपिटल लेटर्स में भी पासवर्ड होना चाहिए, कैपिटल प्लस स्मॉल लेटर्स और स्पेशल करेक्टर के कम्बिनेशन का पासवर्ड होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे कैपिटल ADMIN@123 यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ। और यही कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम ही डालना है जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हो। तो मैं तो जो पासवर्ड मैंने सेट किया है वो इसमें डाल रहा हूँ, कैपिटल ADMIN@123, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ये दोबारा इसका यूजर नेम पासवर्ड का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको यूजर नेम तो वही स्मॉल लेटर में एडमिन डालना है, ADMIN, और जो पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड जो अभी जो नया पासवर्ड बनाया था वो इसके अंदर पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड डालने के बाद इसमें जो नीचे जो कैप्चा है वो डालना है, इसमें कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो काफ़ी टैब्स, मतलब एक पेज खुल जाएगा, उसके अंदर काफ़ी टैब है, उसमें सबसे ऊपर ही एक नेटवर्क का है, नेटवर्क के पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद
इसमें कुछ एक सेटिंग्स ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती हैं, तो नीचे एक बटन सेव एंड अप्लाई एंड डिलीट का है, तो आपको डिलीट पे क्लिक करके इसकी जो जो इसके अंदर जो सेटिंग है उसको डिलीट करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मैंने डिलीट कर दी हैं, जैसे मैं डिलीट करने के बाद ये सेम पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड न्यू कनेक्शन के नाम से ऑप्शन आ रहा है, तो ये इस पर सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सब सेकंड जो ऑप्शन है उसमें रूट सेलेक्ट करना है, उसके बाद IPv4, फिर नीचे PPO मोड सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो इसमें जो नेट है वो एनेबल करना है, फिर VLAN जो है VLAN ID एनेबल करना है, उसके बाद VLAN जो है जैसे 1.2.7.9 है इस मेरे केस में, वो जो सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड वो डालना है, और उसके बाद नीचे यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है। ये यूजर नेम पासवर्ड आपको जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं BSNL का यूज़ कर रहा हूँ, तो BSNL ने मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया हुआ है, वो मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो पासवर्ड में तो सिंपल पासवर्ड की स्पेलिंग ही होती है, और यूजर नेम सबका अलग अलग रहता है, तो यूजर नेम मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। और यूजर नेम डालने के बाद यहाँ पर नीचे सेव एंड अप्लाई का ऑप्शन है, और इससे पहले एक सर्विस नेम में भी आप डाल सकते हो कुछ भी, जैसे मैं BSNL डाल दिया है। और उसके बाद नीचे ये तीन ऑप्शन हैं, Port 1, Port 2 एंड इसके दो WLAN वाली जो SSID उस पर क्लिक करना है, और सेव एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो ये सेटिंग इस मॉडम के अंदर सेव हो जाएंगी इससे। और ये सेव होने के बाद जैसे कि आपका इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जो स्टेटस वाली जो इसमें बटन है, स्टेटस वाला बटन, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद यहाँ पे सबसे उसके बाद ये जैसे कि जैसे आप देख पा रहे हो इसके अंदर वैन इन्फॉर्मेशन है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे आपको IP एड्रेस दिखा देगा, तो IP एड्रेस आ जाता है, इसका मतलब ये इंटरनेट आपका कनेक्ट हो चुका है। अब आपको इंटरनेट तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब बात आती है इसकी वाईफाई की सेटिंग की। तो वाईफाई की सेटिंग करने के लिए सबसे आपने नेटवर्क पे क्लिक करना है, नेटवर्क क्लिक करने के बाद ये WLAN का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ये SSID दिखा रहा है, ये वाईफाई का नाम है, जैसे डिफ़ॉल्ट ये FTTH ऐसा करके दिखा रहा है, तो इसको मैं चेंज नहीं करने वाला। और उसके बाद यहाँ पे नीचे पे WLAN सिक्योरिटी है लेफ़्ट साइड में, उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपना वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि जो 1 से लेकर 8 तक था उसको मैं 8 से लेकर 1 तक मैं यहाँ पे सेट करूँगा, इसमें 8 7 6 5 4 3 2 1। और उसके बाद मैं अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर दूँगा। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये जो वाईफाई की जो सारी सेटिंग है वो इस मॉडम के अंदर सेव हो जाएंगी। और सेव होने के बाद आपका जो मोबाइल से जो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा था वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, तो उसको आपको दोबारा उसको वाईफाई पे जाके और यहाँ पे जो ऑलरेडी पहले से कनेक्ट हुआ जो वाईफाई था उसको फॉरगेट करना है पहले, और फिर दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद ये जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वाईफाई का, जैसे 8 7 6 5 4 3 2 1, ये डाल के कनेक्ट करना है। और ये डालने के बाद और फिर कनेक्ट होने के बाद ये ऊपर जैसे शो कर रहा है, ये आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। और इसके कनेक्टिविटी चेक करने के लिए इंटरनेट के लिए जैसे हम YouTube खोल रहे हैं, तो YouTube में खोलने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो ये इंटरनेट इसमें काम करने लग गया है। तो आज की वीडियो इतनी थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।